मुझे लोग अक्सर पूछते हैं गांधी जी और संगीत का क्या लेना देना, आप जानते हैं इसका जवाब क्या है? कुछ भी नहीं। आप कहेंगे ये क्या मतलब है, बापू के नाम आप बैठ के गा रहे हैं और आप कह रही हैं कोई लेना देना नहीं है। गांधी जी के ज़िंदगी में एक दौर ऐसा आया जब बचपन का दौर था कि उन्होंने वायलिन सीखने की कोशिश की और खुद ही वो समझ गए कि वो इतने बेसुरे हैं कि बिल्कुल कोशिश भी नहीं करना चाहिए उन्हें। लेकिन दूसरी ओर हम सब जानते हैं कि उनके साथ कई सारी भक्ति की चीज़ें जुड़ी हुई हैं और नित्य सेवा में जो आश्रम में जो आज भी जो प्रार्थना होती है उसमें संगीत लगभग हमेशा ही होता है, लगभग क्या, हमेशा ही उसका प्रयोग होता है संगीत का, न सिर्फ प्रार्थना में। और उन्होंने जो भी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़ी जैसे दांडी यात्रा या जो भी उन्होंने कार्यक्रम किए उन सब में संगीत का बहुत महत्व रहा है। और कुछ खास पद लगभग हरी इवेंट के साथ जोड़े गए हैं सोचे गए हैं गाए गए हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ चीज़ें सुनाना चाहूंगी। एक कबीरदास का पद है कि शूरवीर किसको कहते हैं, शूरवीर उसको कहते हैं जो लड़ाई के मैदान को छोड़ के भाग नहीं जाता, सिंपल। तो ये जो कबीरदास का पद था, ये डांडी यात्रा आप लोग सब जानते हैं, आई एम ओनली आस्किंग द यंग पीपल इन द ऑडियंस। तो खैर ये सॉल्ट सत्याग्रह, नमक का जो सत्याग्रह था उसके साथ जो डांडी यात्रा जो हम सब जानते हैं इसके बारे में, उसके साथ ये कबीरदास का पद काफ़ी गाया गया था ये यात्रा में, तो वो सुनाती हूँ आप। शूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई शूर नाही। संतोष सही भाए नाम समशेर तह खूब बाजे, नाम समशेर तह खूब बाजे। देख भागे सोई शूर नाही, देख भागे सोई शूर नाही। शूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई शूर नाही। काम और क्रोध मद लोभ से काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मंडा घमसान तह खेत माही, मंडा घमसान तह खेत माही। देख भागे सोई शूर नाही, देख भागे सोई शूर नाही। शूर देख भागे नहीं, देख भागे सोई शूर नहीं। देख भागे
लागे सोई शूर नाही। कहे कबीर कोई जूझी है सुरमा, देख भागे सोई शूर नाही।